नहीं नहीं एक सेकंड समीत राठी, आप कैसे कह सकते हैं, आपके पास क्या प्रूफ है? यहाँ हिंदुस्तान में जो तबलीगी जमात, आपको पता है तबलीगी करते क्या है? आपको पता है तबलीगी करते क्या? मुझे बता रहा हूँ मैं, अब तक हिंदुस्तान में तबलीगियों ने किया क्या है? उन्होंने आतंकवादी नहीं पैदा किए हैं? आतंकवादी नहीं पैदा किए? तबलीगियों को नए मुसलमान भी नहीं चाहिए? मैं बता देती हूँ संगीत रागी, बहुत क्लियर है, तबलीगी एक अच्छा मुसलमान बनाने में विश्वास रखते हैं। हुजूर ने जिस तरीके की जिंदगी जी है उस तरीके की जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं। तो आप ये मत कहिए कि तबलीगी जो है आतंकवादी पैदा करते हैं इसलिए क्योंकि उनकी सोच थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट है। संगीत रागी, तो आप में भी ऐसे बहुत से संगठन है जिनकी सोच थोड़ी एक्सट्रीम की तरफ है, तो इसका मतलब ये कि आप उनके ऊपर ये आरोप लगाने लगेंगे कि वो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं? मैं तबलीगी नहीं हूँ, लेकिन मैं सही और गलत को जानती हूँ। संगीत रागी, आप जो यहाँ कहते रहेंगे मैं उसे सुनती रहूंगी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मत कीजिए, ये मुझे बोलने का है ना, मुझे जानकारी है। अरे आपको जानकारी है इसका मतलब नहीं, कौन सी जानकारी है? तो क्या तो हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही थी और हिंदुस्तान की पुलिस क्या कर रही थी, मुझे ये बताइए। आतंकी बनाने की फैक्ट्री को बकायदा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बगल में चलने दिया गया? क्या बात कर रहे हैं आप संगीत रागी? बिल्कुल मालूम है कि भारत की जितनी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं तबलीगी पर नजर रखती है। आपको मालूम है विदेशों के अंदर, स्पेन के अंदर, स्वीडन के अंदर? अरे भाई, इसलिए क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी एक्सट्रीम की तरफ है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आतंकवादी बना देंगे? आपको बिल्कुल नहीं मालूम है इसका क्या मतलब? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है, सब आपको मालूम है, आप बड़े ज्ञानी है सर। बाकी सब यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं फिर? ऐसा है कि एंकर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि सर्वर ऐसा है। संगीत रागी, के एक विचारधारा को आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी विचारधारा को आप आतंकी बनाने का पूरा एक मरकज बना दें। ठीक है संगीत रागी, मालूम नहीं है आपको, आपको मालूम नहीं है क्या मतलब है, मुझे बताइए ना। तो फिर सरकार ने क्यों बैन नहीं लगाया है तबलीगी जमात पर? अभी तक क्यों गिरफ्तारियां नहीं हुई है तबलीगी जमातियों की? यहाँ बैठ कर आप कुछ भी कहेंगे मेरे प्लेटफॉर्म पर, बैन क्यों नहीं लगाया है तबलीगी जमात पर? बैन क्यों नहीं लगाया है मुझे ये बताइए, इतने दिन से है, इतने सालों से है, बैन क्यों नहीं लगाया तबलीगी जमात पर? अजीत डोभाल क्यों मिलने चले गए एक आतंकवादी बनाने वाले से? फिर बताइए मुझे क्यों चले गए अजीत डोभाल मिलने के लिए? अजीत डोभाल से पूछिए, हमसे मत पूछे, लेकिन मैं जो जानता हूँ वो आपको दर्द, आपको बड़ा जानकारी है क्या? आपको बड़ी जानकारी है, आपको मालूम है कि हनानी नेटवर्क के पीछे कौन काम करता है? संगीत रागी, तबलीगी जमात के बारे में आपको अंदाजा नहीं है, आप बाकी दुनिया के तबलीगी जमात को यहाँ से मत जोड़िए, ये हिंदुस्तानी है, इनको पता है, इनको पता है, इनकी सोच थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। आप ये डिफेंड मत कीजिए कि बड़ा, बिल्कुल करूंगी मैं डिफेंड, क्योंकि आप झूठी बात फैला रहे हैं, क्योंकि आप डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तबलीगियों के खिलाफ। मैं मौलाना साहब की बात कर रही हूँ और उन तबलीगियों की बात कर रही हूँ जो छुपे हैं, कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश की है। संबित पात्रा, क्या तबलीगी जिहाद में विश्वास नहीं करते हैं? जिहाद का मतलब पता है आपको? मैं यहाँ बैठकर आपको इस्लाम के ऊपर पाठ नहीं दूंगी। संगीत रागी, सुबह सुबह मेरे ट्वीट पढ़ लिया कीजिए, आपको पता लग जाएगा। संबित पात्रा, क्या पता है? सब आपको पता है? नहीं, इस्लाम वर्सेस कोई और धर्म, इस पर कभी कभी कोई बहस नहीं हो सकती है। सबका धर्म अव्वल है, सबको सब धर्म के इज्जत करनी आती है। आज आज मौलाना साहब को इस्लाम से कैसे कोई जोड़ सकता है? मौलाना साहब, शोएब जामई, एक सेकंड, मुजीबुर रहमान भारत रत्न मिलेगा, रुके रुके। परेशानी क्या? शोएब जामई, मौलाना साहब के खिलाफ बोला जाता है और सबके खिलाफ, मौलाना साहब के खिलाफ बोलिए ना, आप किसी जमात के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? ठीक है रूबिका जी, बोला जाना चाहिए। मैं तो डिस्कशन ही मौलाना साहब के खिलाफ कर रही हूँ। ये अपनी बारी में बात करें, अब आप अपनी बारी में बोलिएगा। सही कह रहे हैं शोएब जामई, रुक जाइए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।